सेमी पर रिएक्शन, जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटने से ये सभी नाराज थे। ये दो घटनाओं का जिक्र और उसकी वजह से इस संगठन के सदस्यों की नाराजगी, राम मंदिर बनने और हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने से भी नाराजगी थी। एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों के मोबाइल से हथियार बनाने चलाने का वीडियो भी सामने आया है, यानी कि इस तरह के वीडियोस को भी सर्कुलेट किया जा रहा था मोबाइल के माध्यम से, जो कि रिकवर हुआ है, पाया गया है। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। शुभम, क्या एचयूटी की गतिविधियां सामने आई हैं जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल, इतनी बड़ी बहस मध्य प्रदेश में हो गई, और इतने दिनों तक ये बात छुपी या दबी कैसे रह गई, जबकि हम सौरभ के सलीम बनने की बात 10 साल पहले की देख रहे हैं, यानी 10 साल पहले से ये चीजें चल रही थी, ये कार्रवाई अब हुई है, इतने दिनों तक ये बातें कहां दबी थी, कहां छुपी थी? देखिए, बिल्कुल अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। 2010 से ये पूरा की पूरा मामला चल रहा था कन्वर्जन का, और उसके बाद चीज़ें बदलती गई और एक संगठन से ये लोग जुड़ गए, जिसमें 5 जो संदिग्ध आतंकी हैं ये हिंदू बताए गए हैं। जो परिवार से हमने बातचीत की है, उन्होंने यही कहा कि 2010-11 के बाद से सारी की सारी चीज़ें बदलना शुरू हुई, इस्लाम की वो तारीफ़ें करने लगा, उसके बाद धीरे धीरे 2014 तक तो वो कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ उसकी जो पत्नी थी वो भी कन्वर्ट हो गई, बुर्का पहनने लगी, इसके बाद उस परिवार को अलग कर दिया गया। मगर कई तरह की इसमें चीज़ें सामने आई है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई कि इस्लाम धर्म को खतरा है, राम मंदिर का हवाला दिया गया, इसके अलावा अब धारा 370 जो हटाई गई उसको लेकर कहा गया, भोपाल का जो रानी कमलापति स्टेशन है जिसका नाम हबीबगंज स्टेशन था उसको लेकर कहा गया कि देखिए सारी चीज़ें बदली जा रही है, इस्लाम ख़त्म किया जा रहा है, इस्लाम को बचाना है इसीलिए कुछ बड़ा करना होगा, सबक सिखाना होगा, इस तरह की बातें कही गई। और उस जो वीडियो एटीएस को मिला है उसमें बम बनाने से लेकर गोली चलाने तक के सारे वीडियो मिले हैं। बिल्कुल शुभम, तरह तरह से इन लोगों को प्रलोभन दिया गया, बताया गया और ये समझाया गया, कन्विंस किया गया कि कैसे इस्लाम पर खतरा है, इसलिए इन लोगों को कन्वर्ट कराने की ये पूरी साजिश रची गई। दोबारा आएंगे आपके पास और चर्चा करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, गिरफ्तार 11 आरोपियों पर बड़ा खुलासा हुआ है, पहचान छिपाकर रह रहे थे ये सभी आरोपी, दर्जी, जिम ट्रेनर, ड्राइवर बनकर ये आरोपी रहते थे और अपने काम को अंजाम देते थे।